मसीह में आपकी सलामती हो। आज मैं एक कहानी आपको सुनाना चाह रहा हूँ, जाति जूलियत और दाऊद की। यहाँ पे जो फाइट होती है, ये हम बचपन से कहानी सुन रहे हैं और बचपन से ये जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन एक बात जो आज के दौर में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और आज के दौर में हम रहते हैं, तो ये एंशंट टेक्नोलॉजी जो इस फाइट में और इस स्टोरी में यूज़ हुई, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपके साथ। टेक्नोलॉजी दोनों तरफ है, दाऊद की टेक्नोलॉजी और जाति जूलियत की टेक्नोलॉजी। इन दोनों टेक्नोलॉजीज का क्लैश भी हमें मिलता है कि दोनों का आपस में हो रहा है। जाति जूलियत जो कि लिखा है कि छह हाथ, ये नहीं, ये छह हाथ लंबा है, उसके सर पे भी पीतल का, तन पे भी पीतल का और सारा पीतल का लिबास है। पहला सैमुअल उसका 17 बाब पढ़ेंगे तो पूरा अहाता आपके सामने आ जाएगा कि कितना बड़ा वो जाति जूलियत था, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी उसके पास थी, बड़ी तलवार, बड़ी बड़ी ढाल उसके पास थी। और लिखा है उसके जब वो चलता था तो उसके आगे उसका ढाल पकड़ने वाला लेकर चलता था। अब ये टेक्नोलॉजी है और आज के दौर में भी आप देखेंगे कि कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। ये पोस्ट टेक्नोलॉजिकल इरा कहा जाता है। हर तरफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी। अब दूसरी तरफ ईमानदार है जो कि एक नौजवान है और वो भेड़ें चढ़ाता है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी क्या है? उसके पास एक गुलेल है और कुछ पत्थर हैं। उस गुलेल और उस पत्थर से वो क्या करता था, जब भेड़ें चराया करता था, अपना गले की निगाहबानी करता था, तो वो हो सकता है किसी जंगली जानवर के लिए भी इस्तेमाल करता। अब दोनों का क्लैश होता है और आप सबको पता है कि उसी गुलेल और पत्थर से वो जाति जूलियत को मार गिराता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं, आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं। इम्पॉर्टेंट है फेथ इन क्राइस्ट, इम्पॉर्टेंट है खुदा के साथ ईमान में चलना। दाऊद को ना सिर्फ अपने लोगों की, अपने खुदा की गैरत थी, बल्कि उसके डिसीजंस जो थे वो डिसीजंस फेथ बेस्ड डिसीजंस थे और स्पिरिट लेड डिसीजंस थे। वो खुदा के साथ भरोसे और ईमान के साथ साथ भी चलता था। आज हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है, आज हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम खुदा के साथ भरोसे के साथ चलेंगे और उस ईमान से चलेंगे, चाहे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें, चाहे कंप्यूटर करें, चाहे आप लैपटॉप कुछ भी करें, सोशल मीडिया यूज़ करें, आप बड़े से बड़े जाति जूलियत को घिरा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स के लिए तैयार रहें अपनी ज़िंदगी में। आप रूहानी जंगों में तैयार रहें। रूहानी जंग जब होती है तो उसमें छोटे छोटे काम रोज़मर्रा ज़िंदगी में होते हैं। दाऊद उसी टेक्नोलॉजी से जो उसके पास थी, उसी भरोसे के साथ, उसी ईमान के साथ रोज़ फाइट करता था। जो छोटी छोटी मुश्किलात उसकी ज़िंदगी में आती थी, उनको उसको लेल पत्थर और उस भरोसे और ईमान के साथ क्या करता था, मार गिराता था। और जब जंग का दिन आया, एक बड़ा दिन आया, तो उसने उसी भरोसे, उसी टेक्नोलॉजी, उसी ईमान और उसी दलेरी से जाति जूलियत को गिरा दिया। आज मैं और आप अगर अपने आप को शार्प नहीं करते, अगर अपने आप को प्रैक्टिस से नहीं गुजारते, दुआ में नहीं ठहरते, रोज़े में नहीं ठहरते, हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी खुदा ने दी हुई है उसको छोटे छोटे कामों में इस्तेमाल नहीं करते, तो एक दिन बड़ा आएगा कि उस पर हम फतेहयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर हम करेंगे दाऊद की तरह, तो फतेहयाबी हमारे सामने होगी। जाति जूलियत जितना मर्जी बड़ा हो, जैसा मर्जी हो, जिस हालात में भी हो, हम उसे मार कराएंगे। प्रेज़ गॉड। ऐसी ही मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ डिजिटल एज में और सर्वेंटशिप इन डिजिटल एज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप कुछ कमेंट करना चाहें, तो इस वीडियो में आप मुझे बता सकते हैं, कुछ टॉपिक बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके सामने लेके आता रहूं।